आने मैडम, फुल कर दो आप। फुल है मैडम। ये गाड़ी आपको अपडेट रखनी चाहिए, कितनी तपरी है ये गाड़ी। अभी काम तो कराया था मैंने, कुछ दिन पहले कराया था और इंदौर जाके करवाया था मैंने काम। इंदौर जाने का नतीजा तो देख लिया सर आपने। अब खंडवा में अरोरा कार डेकोर पर चलकर देखिए, यहाँ पर कार एसी का गैस रिफिलिंग से लेकर हर कार्य किया जाता है। अरोरा कार डेकोर से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है सर खंडवा में। भैया आप अरोरा कार डेकोर पे ले चलो। कार एसी की गैस रिफिलिंग हो, एसी का कोई काम हो या हो डेंटिंग पेंटिंग या कार की एसेसरीज, सबसे बेहतरीन ऑप्शन अरोरा कार डेकोर। थैंक यू अरोरा कार डेकोर। पता तो आपको पता ही होगा, इंदौर नाका खंडवा। खंडवा के बॉम्बे बाजार स्थित जुम्मन टेलर की गली में दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर हुई मारपीट, एक युवक घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। जानकारी के अनुसार एंटीक स्टोर के सामने ओटले पर बैठकर दादाजी का मेला देखने के दौरान इस दो युवकों ने मिलकर मांगीलाल यादव और धर्मेंद्र यादव निवासी चारखेड़ा के साथ मारपीट शुरू कर दी और पत्थरबाजी करना शुरू कर दी। मारपीट की घटना देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सीएसपी सहित कोतवाली पुलिस बल मौके पर पहुंची, जहां मामले को शांत कराकर घायल युवक की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना की जानकारी लगते ही महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल सहित माधव झा सहित हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और मारपीट करने वाले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल कोतवाली थाना प्रभारी बीएड अल्पुपे ने बताया कि फरियादी धर्मेंद्र की शिकायत पर दो अज्ञात युवकों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। देखें खबर खंडवा की न्यूज चैनल पर पूरी खबर। मैं यहाँ तो चारखेड़ा से आया हूँ। हम देखे थे, मेरे साथ वाला बैठा था, वो आया जबरदस्ती चश्मा छुड़ा के फेंक दिए, मोबाइल खींचे था नहीं। उसके बाद में उन्हें मतलब गाली गलौज करने के साथ में मारना चालू कर दिया। हमने आठ दस दिन थी। क्या बात हुई थी, क्यों मारपीट कौन की थी? वो सर ये तो नहीं मालूम, बाकी हम जाके बस बैठे तो उसने साथ वाले की चश्मा फेंक दी, उसके बाद में उन्हें मारना चालू कर दिया। सीटबाजी वगैरह तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं सर जी। अभी कुछ समय पहले दो बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, पूर्व में भी कुछ लोग बैठे थे, तो मोबाइल चला रहे थे, तो आपस में कुछ उनकी कासू में विवाद हुआ। उसमें दो चार छः लोगों ने इसके साथ हाथ दूसरे में मारपीट कर प्रखंड पंजीबद्ध कर दिया। कितने लोग आए थे इसमें? क्या इसमें दो तीन लोगों को हल्की चोटें हैं, हाथ दूसरे में उनका मेडिकल उपचार अच्छे से करा दिया, वैधानिक कार्रवाई की। मामला दर्ज प्रखंड पंजीबद्ध कर दिया अज्ञात आरोपी।